तो हुमायूं की डेथ के बाद अकबर थ्रोन पे आया, वो हुमायूं का बेटा था। 1556 में वो पैदा हुआ था अमरकोट में, 1542 में वो पैदा हुआ था, व्हेन हुमायूं वाज इन एक्साइल, जब हुमायूं काबुल भागा था, अफगान भागा था। तब अकबर वाज इंटरेस्टेड इन हंटिंग। अकबर का इंटरेस्ट क्या था? हंटिंग में उसकी एक्टिविटी थी राइडिंग एंड स्वर्ड प्ले। राइडिंग मतलब घुड़सवारी और स्वर्ड प्ले मतलब तलवार से खेलना, स्वॉर्ड। ही नेवर लीव टू रीड एंड राइट, उसने कभी, ही नेवर लर्न राइटिंग एंड रीडिंग, वो पढ़ा लिखा नहीं था। व्हेन ही बिकेम द मुगल एम्परर, जब वो मुगल एम्परर बना था वो 13 ईयर्स का था, एंड बैरम खान वॉज हिज रेजेंट, उसका जो रेजेंट था वो बैरम खान था। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर रेज्ड मैनी चैलेंजेस फ्राम दी डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी के बाद जब हराया था हुमायूं ने, तो शेर शाह सूरी के जो पोते थे या फिर उनके बच्चे थे, उनसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े अकबर को। ओके, हेमू हु वॉज कैप्चर्ड दिल्ली, हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556। ओके, 1556 में हेमू ने कैप्चर की थी दिल्ली। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट विद सेन अकबर एंड हेमू, इन विच अकबर अचीव्ड विक्ट्री। और क्या हुआ, 1556 में लड़ाई हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था और दिल्ली ले ली थी। बैरम खान मैनेज एवरीथिंग ऑन अकबर्स बिहाफ फ्रॉम 1556 टू 1560। चूँकि अकबर छोटा था तो बैरम खान उसका रेजेंट था, उसने बहुत सही से उसका राज्य संभाला। ड्यूरिंग दिस टाइम ही कंक्वर्ड ग्वालियर, जौनपुर एंड राजपूताना। अकबर अस्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1556 एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो बैरम खान ने, अकबर ने बहुत सारी आक्रमणों के बाद बहुत सारी टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में लिया और कैपिटल दिल्ली से आगरा बना दी। हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम अकबर्स रेन इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ अबुल फजल एंड बदायूनी। बदायूनी ने जो क्रॉनिकल्स लिखी थी उनसे हमें अकबर के बारे में पता चलता है। अबुल फजल रोड अकबर नामा, उसके बारे में लिखा था अबुल फजल में, विच रिकॉर्डेड अकबर्स फर्स्ट रूल इन 3 वॉल्यूम्स। आईने अकबरी मतलब ये फर्स्ट वॉल्यूम है, तो अकबर नामा 3 वॉल्यूम में लिखा गया है, 3 किताबों में, और वो अकबर के बारे में बताता है। द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद द अकबर्स एंसेस्ट्री एंड द सेकेंड वॉल्यूम डील्स विद द इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर्स रीन। एंड देखो, जो पहला वॉल्यूम है, पहली किताब है, वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। ओके, और सेकेंड वॉल्यूम है उसके टाइम के बारे में बताता है, और जो थर्ड है आईने अकबरी, और द थर्ड वॉल्यूम कंटेन डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अकबर्स डिटेल्स अकबर्स पॉलिसीज एंड विजन। और जो आईनी अकबरी में है क्या है, अकबर की पॉलिसीज और विजन के बारे में है। मुंतखा उत तवारीख रिटन बाय बदायूनी ऑफर्स अ मोर क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अकबर्स रूल। तो ये दूसरी किताब है मुंतखा उत तवारीख, ये भी अकबर के बारे में बदायूनी ने लिखी थी। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अकबर एक्टिवली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो अकबर ने बहुत टेरिटरीज का एक्सपेंड किया, जहाँ भी आक्रमण किया वहीं पे अपने कब्जे में ले ली। पहली तो उसने राजपूतों को हटाया, पूरी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश की बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर रीजन्स। पहले उसने गुजरात को कैप्चर किया। इन 1561 मालवा वॉज कैप्चर्ड, मालवा को कैप्चर कर लिया जो कि गुजरात का था। गोंडवाना वॉज कंक्वर्ड इन 1564 में, गोंडवाना भी आ गया। गोंडवाना वॉज हावर रिस्टोर टू इट्स रूलर, लेकिन गोंडवाना जो भी उस वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने वापस ले लिया। मे वॉर वॉज कंक्वर्ड इन 1568, रंथन बोर्न इन 1569 एंड द नेक्स्ट ईयर सॉ द सबमिशन ऑफ द रूलर्स ऑफ मारवाड़। सारे लोगों ने, राजस्थान के राजपूतों ने गिव अप कर दिया, हर चीज़ मुगलों ने ले ली थी उनकी। बीकानेर एंड जैसलमेर ऑफ टू अकबर। अकबर देन डायरेक्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स गुजरात, अब गुजरात को देखना शुरू किया उसने। 1572 में क्या हुआ, सूरत सरनाल एंड अलाहाबाद वर कैप्चर्ड, सारा इंडिया उसने कैप्चर कर लिया। द विक्ट्री ओवर गुजरात गिव द मुगल एक्सेस टू द सी। अब जो, चूँकि हमें पता है कि गुजरात जो था वो किनारे था सी के, तो उन्हें क्या मिला, मेरी टाइम ट्रेड का बहुत फ़ायदा मिला। मेरी टाइम मतलब जो सी के पास के ट्रेड है उनका फ़ायदा मिला, उन्हें मेरी टाइम ट्रेड, रिच मेरी टाइम जो बाहर से चीज़ें आती थी उनका मिला। बंगाल वॉज डिफीटेड इन 1574, काबुल इन 1581 एंड कश्मीर इन 1586। तो ये सारी डेट्स हैं कब कब क्या का
अकबर ने अपने कब्जे में लिया था। पार्ट्स ऑफ डेक्कन सच एज बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर केम अंडर द अकबर रूल इन 1601। तो जब तक 1601 आया तो अकबर ने पूरा इंडिया में कहीं ना कहीं जगह अपने कंट्रोल में कर ली। तो द मुगल एम्पायर मेड इन इंप्रेशन एक्सपेंशन, इतना ज़्यादा बढ़ गया मुगल एम्पायर। द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट टू सेलिब्रेट द कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। जब पूरा गुजरात उसके कब्जे में आ गया तो फतेहपुर सीकरी बनाई गई सिटी, इसलिए अब जश्न मनाने के लिए फतेहपुर सीकरी बनाई गई। रिलेशनशिप कैसे थे मुगलों के राजपूत से, ठीक है। अकबर न्यू दैट ही नीडेड टू सपोर्ट ऑफ द राजपूत किंग्स टू कंसोलिडेट हिज मैसिव एम्पायर। उसे पता था कि एक बार हम कब्जे में तो ला लेंगे, लेकिन हम कब्जे में रखेंगे कैसे हमेशा के लिए। तो उसे पता था कि राजपूत की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको कंसोलिडेट या फिर एकजुट रखने के लिए। मोर ओवर ही रिस्पेक्टेड द ब्रेवरी कैवलरी एंड करेज ऑफ द राजपूत। अब कहते हैं ना राजपूत में बहुत करेज होता है, तो उसने कहा कि यार तुम लोग सच में ब्रेव हो, करेजियस हो, और मतलब है सब करेज वगैरह है, बैटल अच्छे से लड़ पाएंगे। और बहुत इक्वली ट्रीट किया अपने से राजपूत को। दस दे एग्जिस्टेड अ कार्डियल रिलेशनशिप विद द मुगल्स एंड राजपूत। कार्डियल मतलब एक तरीके से अच्छा रिलेशन चल रहा था, बहुत अच्छा कनेक्शन था मुगल और राजपूत का अकबर के टाइम पे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस वर आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम बिटवीन द टू। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब शादी के रिश्ते वगैरह, अगर किसी को रिश्तेदार बना लिया जाए तो ऑब्वियसली वो हमेशा सपोर्ट करेगा आपको। इसीलिए अकबर के टाइम पे अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस अम्बीर। हर फादर राजा भरामल वॉज गिवेन अ हाई रैंक एट द मुगल कोर्ट। ओके, तो हमें पता है जोधाबाई से अकबर ने शादी की थी, उसके जो पिताजी थे राजा भरा माइल, उनको बहुत एक रिस्पेक्ट मिली थी मुगल कोर्ट में। हिज सन एंड ग्रैंडसन्स वर आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन द मुगल स्टेट। और उसके जो राजपूत प्रिंसेस थी, उसके जो पिता थे जोधाबाई के, उनको भी इज्जत मिली, ग्रैंडसन्स और सन्स को एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में हिस्सा दे दिया। अकबर मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस टू, दो राजपूत प्रिंसेस से उन्हें शादी की थी। द राजपूत रूलर्स हु एक्सेप्टेड अकबर सुपीरियोरिटी वर मेड टू रूल देयर ओन किंगडम्स। और जिसने अकबर की सुपीरियोरिटी की, आप ही महान हो कहा, तो उसको उन कहा गया कि आप जहाँ रूल कर रहे हो करो। दे न्यू दैट इट वॉज मोर बेनिफिशियल। और राजपूत को भी पता था कि अकबर इतना पावरफुल है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप ही सबसे महान हो। For them to remain allies with Akbar then became his enemies. तो उन्हें पता था कि दुश्मन बनने से अच्छा है उनके संग रहो। Nevertheless, there were some Rajput king who refused to submit to the Mughal ruler. कुछ लोगों ने मना कर दिया राजपूत लोगों ने कि नहीं हम अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे। This king ruled the states of Ranthambore, Jodhpur which were subsequently conquered by Akbar. तो बाद में जो ये जो किंगडम्स थे Ranthambore और Jodhpur, इनको भी जो रूल कर रहे थे राजपूत, तो ये सबमिट नहीं हुए अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए अकबर ने इन्हें हटा दिया। राणा प्रताप सिंह द किंग ऑफ मेवाड़ बिकेम अकबर स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट। राणा प्रताप सिंह जो था मेवाड़ का था, वो बहुत ही बड़ा दुश्मन बन गया किसका, अकबर का। देयर फोर्सेस मेट एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576। हल्दीघाटी में युद्ध हुआ अकबर का और राणा प्रताप सिंह का। द राणाज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। राणाज ने क्या किया कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपकी अकबर की सुपीरियरिटी नहीं, अकबर इतना महान नहीं है। आफ्टर इज डिपीट द बैटल, तो तब जब वो हार भी गया तब भी उसने मना कर दिया उसके अंडर में रहने के लिए। ओनिंग टू द फैक्ट दैट मैनी राजपूत रूलर बिकेम क्लोज अलाइज टू द मुगल रूलर अ फ्यूजन ऑफ द टू कल्चर्स टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो जो राजपूत थे वो क्लोज हो गए थे मुगल्स के कुछ राजपूत, तो क्या हुआ जो राजपूत का कल्चर था और मुस्लिम कल्चर था वो मिल गया। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत दो डिफरेंट तरीके के कल्चर उभर के आए। द राजपूत सपोर्ट आल्सो हेल्प इन मेकिंग द मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्गर एंड अ मोर स्टेबल। और राजपूत का इतना सपोर्ट था मुगल्स के लिए कि उनका जो किंगडम था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया और स्टेबल होता गया, और डर भी नहीं था उन्हें किसी और चीज़।